नमस्कार मित्रों, अनुच्छेद लेखन में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विषय है हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व अथवा देश की अखंडता में सहायक राष्ट्रीय पर्व। इसके संकेत बिंदु हैं राष्ट्रीय पर्व का अर्थ एवं उनकी महत्ता, हमारे राष्ट्रीय पर्व और मनाने का ढंग, देश की एकता अखंडता बनाने में सहायक और राष्ट्रीय पर्वों का संदेश। पर्व मानव जीवन को मनोरंजन और ऊर्जा से भरकर मनुष्य की निरस्ता दूर करते हैं। इन पर्वों को सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पर्वों के रूप में बांटा जाता है। राष्ट्रीय पर्व वे पर्व हैं जिन्हें राष्ट्र के सारे लोग बिना किसी भेदभाव के एकजुट होकर मनाते हैं। इनका सीधा संबंध देश की एकता और अखंडता से होता है। राष्ट्रीय पर्व व्यक्तिगत न होकर राष्ट्रीय होते हैं, इसलिए देशवासियों के अलावा विभिन्न प्रशासनिक और सरकारी कार्यालय, विभिन्न संस्थाएं मिलजुलकर बनाती हैं। इस दिन देश में सरकारी अवकाश रहता है, यहाँ तक कि दुकानें और फैक्ट्रियाँ भी बंद रहती हैं ताकि देशवासी इन्हें मनाने में अपना योगदान दे सकें। हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, और गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रातःकाल सरकारी कार्यालयों एवं भवनों पर झंडा फहराया जाता है और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इस दिन देशभक्तों और शहीदों के योगदान को याद करते हुए स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई जाती है। गांधी जयंती के अवसर पर कृतज्ञ देशवासी गांधी जी के योगदान को याद करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। देश की एकता अखंडता बनाए रखने में राष्ट्रीय त्यौहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देशवासियों से एकता बनाए रखने का आह्वान करते हैं। ये पर्व हमें एकजुट रहकर देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा देश के लिए तन मन और धन न्योछावर करने का संदेश देते हैं। हमें इस संदेश को सदा याद रखना चाहिए।